बहुत ऐतिहासिक क्षण है, आनंद का विषय है कि हमारे भगवान राम जो सबके हृदय में विराजमान है, भगवान राम का ऐतिहासिक उत्सव 528 साल की कामना और संघर्ष का समापन और वहां भगवान राम का विराजमान होना, ये हम लोगों के लिए सुखद पल है। इसको हर क्षण को बहुत आनंद पूर्वक मनाना चाहते हैं। उसी क्रम में हमारे अपराकाशी जयपुर नगर, जो हमारा राजस्थान और जयपुर विशेष राम मंदिर की सेवा में अपना समर्पित है, उसी क्रम में हमारे राम माँ जानकी जी की रसोई के लिए, भगवान राम के माँ उत्सव में भंडारे के लिए यहाँ से बहुत सारे प्रसाद की सामग्री रवाना हो रही है, बहुत बड़े जुलूस के रूप में हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान भजन लाल जी साहब इसको शुरुआत करेंगे। पूरे जयपुर नगर के सारे संत महंत इसमें उपस्थित हैं, सारे सामाजिक सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप देखेंगे कि सर्व समाज के यहाँ रथ भी लगे हैं, समरसता का भी इसमें संदेश दिया जा रहा है। तो पूरा 36 कोम मिलकर राजस्थान जयपुर अपराकाशी उस गुलाबी नगर से माँ जानकी जी की प्रसाद रसोई के लिए यहाँ से सामान सेवा माता जी को और समर्पित की जा रही है। फिर राम भक्त माँ जाएंगे जो जानकी जी की रसोई से हम सब प्रसाद पाएंगे। सर, यूपी से काफी बयान निकल के आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद में अनर्गल बयान उनके आने लगे हैं। और पहले ही रामचरितमानस में उल्लेख है, जाने राम को दारुण दुख दई माँ की मति पहले ही हर ली। तो भगवान ने कहीं ना कहीं उनको कष्ट देना है, तो इसलिए वो उनकी बुद्धि हर ली, इसलिए वो अनर्गल बातें कुछ भी कहते रहते, ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए उनकी बातों पर, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार मुहूर्त है, बहुत ज़बरदस्त मुहूर्त है। आप देखेंगे कि मंगलवार के दिन राम जी का जन्म हुआ, मंगलवार के दिन राम जी का विवाह हुआ और मंगलवार के दिन मंगल ही मंगल होने वाला है, हनुमान जी का जन्म मंगल का है। तो मंगलवार का जो विशेष मंगल उत्सव है वो आनंद पूर्वक है और इस बार बहुत ही सुंदर सर्वार्थ सिद्धि योग है, विशेष मुहूर्त है। तो ऐसे मुहूर्त में राम जी बैठ रहे हैं और राम जी तो मुहूर्त क्या चाहिए, राम जी तो खुद मुहूर्त हैं। तो अगर मुहूर्त नहीं भी हो तो राम जी के क्या मुहूर्त है, राम जी तो स्वयं मुहूर्त हैं। क्या है, देखिए ये सब शुरू से राम जी के खिलाफ रहे हैं, राम जी के खिलाफ रहे हैं, ये लोग राम जी के विरोधी रहे हैं, ये राम जी को काल्पनिक कहने वाले रहे हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं राम जी के मंदिर राम सेतु को तोड़ने की बातें निरंतर करते रहे, राम मंदिर के विरोध में ये आंदोलन करते रहे, आतंकवादियों को जेल न होए, आतंकवादी को फांसी न होए, इसके पक्ष में रहे हैं। तो इनका चरित्र सबको पता है, ये क्या चाहते हैं, ये इस देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं, इस देश के विरोध में काम करना चाहते हैं, राम जी के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। कुछ जगह तो ये हो रहा है कि कोई पीले चावल भी जा रहे हैं और कहीं कोई कांग्रेसी नेता या अन्य नेता वहाँ है तो आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वो पीले चावल भगवान के उनको ही स्वीकार नहीं कर रहे, ऐसी स्थितियां भी बन रही है। तो ये तो राम जी के विरोधी रहे हैं साहब शुरू से। कांग्रेस ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है बीजेपी। अरे साहब, राम जी का काम तो 528 साल से चल रहा है, आप कर लेते साहब, आपको आप इतने वर्ष आप रहे सत्ता में तो आप कर लेते, 60 वर्षों तक आपने क्या किया, आपने उलझाए रखा, खाली 60 वर्षों से आपने क्या किया, उलझाए रखा हमारा अस्तित्व, प्रभु राम हमारे हृदय में बसने वाले राम जो टेंट में थे, आप क्या कर रहे थे, आप राम जी का मंदिर नहीं बने, राम जी काल्पनिक है, राम भगवान ही नहीं है, राम थे ही नहीं कभी, राम कथा कहानी है ये आपने कहा, राम सेतु को तोड़ने की बात आपने कही और आपकी पूरी पार्टी, पूरी कंपनी, आपकी टीम, आपके सहयोगी, आपके मित्र, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सनातन को मिटा देना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा है, ये बीमारी है, डेंगू है, मलेरिया है। तो आपकी सोच और चरित्र सबको पता है, पूरे जगत को पता चल गया है कि आप राम विरोधी हैं। मुस्लिम भाई भी पक्ष में है राम जी के, मुस्लिम भाई राम जी के इस मंदिर के लिए उत्साहित हैं और खुद आगे के सहयोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र लोग जो पार्टियाँ हैं वो विरोधी बने पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब सबको समझ आ गया इनकी चाल चरित्र क्या है, ये राम जी के विरोधी लोग हैं, ये सबको पता चल गया। ठीक है।